सभी जगत समूह की ओर से आप सभी देशवासियों को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। पवई पवई क्षेत्र के विकास पुरुष एचवी नाम से प्रसिद्ध खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के मुख्य अतिथि एवं पवई विधायक प्रहलाद लोधी की अध्यक्षता एवं कलेक्टर संजय मिश्रा व पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा की उपस्थिति में बुंदेलखंड सहित पूरे अंचल की आस्था का केंद्र सिद्ध स्थल हनुमान भाटा पवई में 1.5 करोड़ की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित इस गरिमा में समारोह में खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि यह एक ऐसा स्थान है कि यहां पहुंचने के बाद एक वृहद आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। तनावपूर्ण मन मस्तिष्क में यहां आने के बाद शांति का एहसास होता है। खनिज मंत्री ने कहा कि हनुमान भाटा पहुँच मार्ग जो कि हड़ा गाँव की ओर से प्रस्तावित है, वह मार्ग श्रद्धालुओं की सुविधा की दृष्टि से उचित नहीं। उन्होंने कहा कि कम दूरी एवं सनम मार्ग से सड़क निर्माण किया जाएगा। पवई विधायक प्रहलाद लोधी ने कहा कि मंत्री जी के सहयोग से पर्यटन विकास निगम द्वारा विकास कार्यों की सौगात दी गई है, आगे भी यहां के विकास के लिए रूपरेखा तय की जाएगी। लगभग 20 किलोमीटर के दुर्गम मार्ग पर निजी वाहनों द्वारा सिद्ध स्थल पहुंचना किसी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि इतनी दूरी के बीच में 4 पहाड़ के उतार चढ़ाव की घाटियां हैं। इस मार्ग की यात्रा करने के बाद एसपी धर्मराज मीणा ने कहा कि प्राकृतिक रूप से सुरने घनघोर जंगल का आज का सफर निश्चित रूप से यादगार रहा। रास्ते में कुछ दिक्कतें जरूर आई जिसे उन्होंने हनुमान चालीसा के रूप में बखान किया। कलेक्टर संजय मिश्रा ने भी अपने उद्बोधन में हनुमान चालीसा की लाइनें याद की। कलेक्टर ने मनसा जाहिर की कि सड़क मार्ग के साथ साथ इस स्थान पर रोपवे की सुविधा श्रद्धालुओं को मिली, इसके लिए पर्यटन विकास को प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भाजपा पदाधिकारी, पर्यटन विभाग के उपयंत्री चौबे एवं ठेकेदार शारदा प्रसाद पटेल मौजूद रहे। तो इससे निश्चित रूप से इस क्षेत्र का भाटे के स्थान का जहाँ पे हजारों हजार धर्मालु यहाँ पर आते हैं मंगलवार शनिवार को, और यहाँ पे एक बड़ा लोगों का एक आस्था का केंद्र बना हुआ है। इवन बाहर के दूसरे जिलों के लोग यहाँ पर आते हैं, तो आज उससे निर्माण से यहाँ की सौंदर्यता भी आएगी, रुकने के स्थान भी, शेल्टर जो बन रहा है उससे रुकने के लिए भी उनको रात रुक भी सकते हैं, और जो भी हमारी बाउंड्री और अन्य चीजें हैं वो भी पूरी बनेगी। निश्चित रूप से एक सौंदर्यता यहाँ पे आएगी। आपके रोड सीसी बनने के लिए लगा था यहाँ पर, लेकिन अब फिर से जो पैसा आया है ऊपर के सौंदर्यीकरण के, कुछ मंगल भवन के लिए, दुकान निर्माण के लिए, तो उससे और ज्यादा सुंदरता यहाँ पर आएगी, और जो धर्मालु लोग चाहते हैं वो उनके आस्था के हिसाब से यहाँ पे काम विधायक जी के माध्यम से हो रहे हैं। निश्चित रूप से विधायक जी विधायक के पास हैं, और मैं सभी को इनको शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि ये हमारा हनुमान जी का स्थान है, बड़ा सिद्ध स्थल है। उनसे यही प्रार्थना करता हूं, यहां के लोग सुखमय रहें, निरंतर इसी तरह धर्म के प्रति जुड़े रहें। पवई से खबर समय जगत के लिए संवाददाता सभी सिद्दीकी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।